समर्थन मूल्य पर फसल बेचने को लेकर आ रही समस्या का हुआ समाधान। किसान जो कि अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचना चाह रहे थे, उनके लिए अब एक अच्छी खबर है कि जो खरीद केंद्र बनाए गए थे उन पे अब बारदाना पहुंच चुका है। अब किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर वापस बेच पाएंगे। पिछले काफ़ी समय से किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि मंडियों में बारदाना नहीं होने की वजह से उनकी फसल नहीं बेची जा रही थी। उनका जो टोकन नंबर दिया हुआ था वो डेट भी निकल रही थी, इसलिए काफ़ी किसान चिंतित थे कि कब तक उनकी फसल बेची जाएगी और उनके जो कुछ काम बाकी पड़े हैं वो अपने काम पूरे हो पाएंगे। अभी फसल खरीद की डेट जो 14 जुलाई तक बताई गई है, किसानों ने मांग की है कि बीच में जो समय इसमें ख़राब हुआ है वह समय और बढ़ाया जाए, किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए और ज़्यादा समय दिया जाए ताकि किसान को अपनी फसल को औने पौने दामों में न बेच के अच्छी रकम है जो किसान को मिल पाए। तो लेट शुरू करे है पर कई दिनों ये बता रहे बारदानो वगैरह आ रहे को नहीं अब पहले को नहीं आ रहे हो। अच्छा अब आगो बारदानो थान कई कतो टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करवाए होते मैं करवाया साहब एक डेढ़ महीना पहले डेढ़ महीना पहले 26 तारीख को आया था गेड़ा मना नंबर लेकिन बारदानो को जा बड़ी मना मतलब बीच में नंबर तो आगो लेकिन वो बारदानो नहीं हो जाना लेट हो तनाई से खरीद बंद कर रहा थी और सबसे चालू 15 तारीख तक बता रहे हैं। एक महीना रजिस्ट्रेशन कराया आगे को नहीं और बारह की बार रोज चक्कर काट जावा कहीं बारदानों को नहीं राबके समर्थन मूल्य को टाइम घटावा तो वो पूरा और बढ़ानो चाहिए आगे क्योंकि बारदानों तो गवर्नमेंट कन को नहीं हो किसाना कन थोड़ा ही को नहीं हो। कौन सी फसल बेचने के लिए आए होते? मैं सरसों की फसल बेचने के लिए आया। तो कब तक बताया जा रहा है कि कब तक खरीद करेंगे? 15 तारीख तक खरीदांगा तो किसान तो सही रह जाएगा इतने दिन वारदानों को नहीं हो। के नाम है सर तारो? धर्मेंद्र नाम है। गांव विद्या सर।